हरियाणवी डांसर सपना चौधरी जो अपने ट्वीट के माध्यम से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, जो फिलहाल ही में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। अरविंद केजरीवाल को हाल ही में रैली के दौरान एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया था। इस हमले के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब इस मामले पर हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने कहा है, सपना ने इसे केजरीवाल के उस बयान से जोड़ दिया है जिसमें उन्होंने मनोज तिवारी को नाचने वाला बताया था। हाल ही में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आप प्रत्याशी दिलीप पांडे के समर्थन में वोट मांगे थे। इस दौरान उन्होंने मनोज तिवारी को नाचने वाला कह दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि मनोज तिवारी नाचता बहुत अच्छा है, पांडे जी को नाचना नहीं आता। उन्होंने ये तक कहा था कि मनोज तिवारी नाचता बहुत अच्छा है, पांडे जी को नाचना नहीं आता है, पांडे जी को काम करना आता है। इस बार काम करने वाले को वोट देना, नाचने वाले को वोट मत देना। सपना चौधरी से केजरीवाल के इस बयान पर प्रतिक्रिया पूछी गई थी तो उन्होंने कहा कि किसी के प्रोफेशन को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। सपना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब मिलेगा। इसके बाद जब शनिवार को रैली के दौरान केजरीवाल को एक शख्स ने थप्पड़ मारा तो इस पर सपना की प्रतिक्रिया पूछी गई। इस पर सपना ने कहा, देखा आपने, मैंने कहा था भगवान ने उन्हें अपने आप ही जवाब दे दिया है, हमें जवाब देने की जरूरत भी नहीं। सपना चौधरी मनोज तिवारी के साथ लगातार चुनावी रैलियों में जा रही हैं। सपना ने कहा कि मनोज तिवारी के लिए वोट मांगते हुए उन्हें अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि भाजपा के मनोज तिवारी और कांग्रेस की शीला दीक्षित दोनों पर ही भारी पड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के राजवीर सिंह जी। वहीं अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ पड़ने से बसपा के राजवीर सिंह ने भी अपना दुख जताया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।